हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, BTOP की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई है, जो नोटिस को आप देख करके समझ सकते हैं कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो टाला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे टाला जा सकता है, क्या है नोटिस में, जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं पहले कि आपको ये नोटिस जो है वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये ईमेल के थ्रू भेजा गया है कॉलेज के सभी प्रधानाचार्य जी को, ठीक है, चाहे वो राजकीय या अनुदानित या निजी क्षेत्र के कॉलेज हों, ठीक है। उसके बाद में प्रेषक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। ये नोटिस 12/7/2021 को दोस्तों आई है, ठीक है, यानी कल की डेट में। तो फिलहाल कोई बात नहीं, उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए विषय क्या है। सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, जुलाई 2021 की प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल्स के संबंध में आप लोगों की सम सेमेस्टर या फिर जिन लोगों की वार्षिक पद्धति चलती है उनकी वार्षिक परीक्षा, ठीक है, जुलाई 2021 की प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में ये नोटिस है। क्या है, पूरी बात को जानने के लिए एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से हम देखते हैं, इसके पहले अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। दिनांक 14 जून 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में परिषद की आयोजित होने वाली सम सेमेस्टर परीक्षा या वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से समयांतर्गत संपन्न कराई जानी है, ठीक है। 14 जून को आप लोगों को नोटिस आई थी, जिसमें आप लोगों के लिए दिशा निर्देश दिया गया था कि आप लोग की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन जो है संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद में जो इस नोटिस में आया, यहाँ पर आप लोग यहाँ से देख लीजिए, परिषद की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/7/2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक पाठ्यचर्या दिनांक 20/7/2021 तक पूर्ण कराए जाएं। यानी दोस्तों, आप लोगों की जो प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी की जो पाठ्यचर्या है वो 20 तक आप लोगों को कंप्लीट कराए जाने के लिए बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद में कहा कि जिसके फलस्वरूप दिनांक 21/7/2021 से 30/7/2021 के मध्य प्रयोगात्मक परीक्षा ऑनलाइन संपन्न कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आप लोगों के उसके बाद में 21 से लेकर के 30 तारीख तक दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन संपन्न कराए जाएगी दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हों या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये सभी लोगों के लिए कि उनकी जो प्रैक्टिकल्स है वो 21 से लेकर के 30 तारीख के बीच में ऑनलाइन कराई जाएगी दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा फाइनल ईयर की जो है कि 22 तारीख से एग्ज़ाम थी, तो दोस्तों इस बीच में एग्ज़ाम्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स आप लोगों की आप लोग मान सकते हैं 90% कि अगस्त में गया, ठीक है, अगस्त में आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो आइए इस नोटिस को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको डिटेल्स बताते हैं कि अगस्त में परीक्षा क्यों और कब से परीक्षा अगस्त में, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, अवगत कराना है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थान अपने स्तर से ऑनलाइन माध्यम से आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं जनपद के नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराएगी। जैसे कि आप लोगों की पिछली बार अभी हुई थी प्रयोगात्मक परीक्षा कि नोडल अधिकारी निजी क्षेत्र के जो कॉलेज हैं उनके लिए जो है बनाए गए थे, तो वो लोग नोडल अधिकारी जो है उन लोगों की परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए थे, और जो गवर्नमेंट या फिर जो है सहायता प्राप्त संस्थान है वो सभी अपने स्तर से करा सकते हैं, ठीक है, यही बात की गई है। उसके बाद में छात्र छात्राओं के प्रयोगात्मक अंकों की प्रविष्टि संस्था लॉगिन के माध्यम से की जाएगी, जो अंकों की प्रविष्टि और संस्था लॉगिन के माध्यम से संस्था करेगी, आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भौदी सुनील कुमार सोनकर सचिव जी का सिग्नेचर हुआ है 12/7/2021 का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुनील कुमार सोनकर भौदी सचिव, ठीक है। दोस्तों ये थी जो है आज की नोटिस। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोगों की जो है परीक्षा अगस्त में क्यों जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगस्त में इसलिए जाएगी दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा 21 से लेकर के 30 तक आप लोगों की प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो तो टालेंगे ही, ठीक है, एक साथ तो कराएंगे नहीं। और उसके बाद में अगर बात करें, ठीक है, तो अभी आप लोगों की मॉक टेस्ट भी नहीं हुआ, तो दोस्तों मॉक टेस्ट कराना हर एक स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स की मॉक टेस्ट होगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों मॉक टेस्ट भी कराएंगे तो लगभग 10 दिन के करीब लग जाएगा दोस्तों। अब मॉक टेस्ट हो सके
प्रैक्टिकल के साथ में कराएं, वैसे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल्स के साथ में कराएंगे, तो दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग की जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगी वो लगभग 10 उसके करीब स्टार्ट होगी, ठीक है। 10 अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आएगी कि आप लोग की एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड किया जाएगा। जैसे ही आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो दोस्तों, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहो, अपनी सिलेबस कंप्लीट करे रहो यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बाद में फ़ायदा मिलेगा, अभी नहीं तो एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सिलेबस अपनी कंप्लीट करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होने की 90% चांस है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 100 नहीं कर सकते क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है भाई, ठीक है। नोटिस जैसे ही आएगी तुरंत 100% हो जाएगा और आपको जो अपडेट्स मिल जाएगा चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।